बनने दो काम कर रहे मिस्त्री की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास की सौगात लाभार्थियों को दी जा रही है, जिसके चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी ने लाभार्थी दिव्यांग दंपति के मकान के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने ढोल बजाते हुए मंगल गीत कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी महिलाएं ढोल बजाती गीत गाती नजर आईं। वहीं ये सब देख दिव्यांग महिला देव कुमारी और पति रमेश चंद्र काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी द्वारा उनके मकान का भूमि पूजन किया गया है, जिससे वे बेहद खुश हैं और अब उनके सर पर उनके अपने मकान की छत होगी। वहीं जिला अधिकारी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक दिव्यांग दंपति के मकान का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इगलास विधायक संघ मिलकर मकान की नींव रखी और भूमि पूजन कराया। इस दौरान जिलाधिकारी ने खुशी में सभी को लड्डू वितरित किए और दंपति को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। और इसके समक्ष जिलाधिकारी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। रमेश चंद, आज भूमि पूजन हुआ है, डीएम साहब ने किया है, किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया करा है आप, मैं क्या बताऊं, सरकार बढ़िया कर रही है और आगे भी करेगी। और आप दिव्यांग हैं, आपके पास मकान नहीं था? मकान नहीं था, दोनों दिव्यांग हैं, आपके पास पक्का मकान नहीं था। आज आपको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश में जो गरीबों को जो पक्के मकान दिए जा रहे हैं, उस श्रेणी में आप भी आज आप आए, तो कैसा आज आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप मोदी योगी के लिए क्या कहेंगे? मोदी योगी वोट डालेंगे और क्या। धन्यवाद धन्यवाद। आप देखती हैं, आप जिलाधिकारी ने भूमि पूजन किया है? कुमारी देव नाम है हमारा, और भूमि पूजन आप लोगों के साथ हमने भूमि पूजन पूजन किया है। पंडित जी को बुला कर क्या मानते हैं प्रधानमंत्री की जो जो योजना है, कैसा लाभ मिल रहा है? जो कहीं ना कहीं हर गरीब को उसका एक पक्का मकान हो, अपना एक आवास हो, तो किस तरह आप इस योजना को देख रहे हैं? अच्छा, योजना को देखना चाहते हैं। किसको धन्यवाद देंगे आप? आप लोगों को सबको धन्यवाद देंगे। सरकार कैसा काम कर रही है? सही कर रही है, अच्छा काम कर रही है। देखिए, आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है, जिसके तहत गरीबों को जो निराश्रित हैं, बेघर हैं, उनको 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है ताकि वो अपने पक्के मकान पर रह सकें। ये स्कीम न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि रूरल एरिया में भी लागू होती है। शहरी क्षेत्र में इसको डूडा के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहाँ सर्वाधिक बेघरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर अब तक दी जा चुकी है। ये हमारे अलीगढ़ जनपद में भी बहुत आवास बने हैं, लेकिन ये अंतिम एक हम लोगों ने टारगेट रखा था कि कोई भी शहरी क्षेत्र का ना बचने पाए, ताकि फिर जो हमारा विस्तारित नगरपालिका क्षेत्र है उनकी DPR में हम काम कर सकें। तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हमने पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे किए हैं अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र में। और अब ये आज एक दिव्यांग हमारे परिवार था जिसमें पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग थी, तो आज उनके प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव रखी गई है। और ये नींव मेरे और माननीय विधायक इगलास हैं श्री राजकुमार सहयोगी जी, उनके सौजन्य से रखी गई है। हमने परिवार को टारगेट दिया कि 6 माह के अंदर अपना आप आवास बनाकर तैयार कर लें, ताकि अगली बारिश के पहले पहले आप अपने नए भवन में प्रवेश कर सकें। तो ये एक बहुत ही लाभकारी योजना है और मैं लाभार्थी को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। और अभी अगर भी अगर कोई छूटे हुए लोग हैं तो उनको हम शामिल करेंगे अपनी DPR में, ताकि सबको आवास मिल सके निःशुल्क। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।